माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए विधेयक सदन में लाए। निश्चित ही लॉटरी जब की प्रथा जब चली थी, एक मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक सामाजिक बुराई के रूप में इसने समाज में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा दी हैं और इसका प्रभाव समाज के उस वर्ग पर पड़ रहा है जिसके लिए इस सदन के माध्यम से हम कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि एक ओर तो हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं कि समाज का जो दबा कुचला वर्ग है या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन जो वर्ग कर रहा है उसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, वहीं उसी वर्ग पर इस लॉटरी की सबसे बड़ी मार उसी वर्ग को झेलनी पड़ रही है। मजदूर है, रिक्शा चालक है या विभिन्न प्रकार के गरीबी रेखा के नीचे कार्य करने वाले लोग, निश्चित ही इससे केवल अमीरी की चाहत में इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। इसमें हमारी सरकार इस विधेयक को लाई है और साथ साथ यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी का यह आश्वासन भी, एक अंक की लॉटरी के साथ साथ 3 अंक की लॉटरी पर भी जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी प्रकार की लॉटरियों को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाएगा, निश्चित ही अभिनंदनीय है। और साथ साथ मैं ही कहना चाहूँगा किस प्रकार के बिलों का, इस प्रकार के विधेयकों का हर व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। हो सकता है कुछ राजस्व हानि हो सकती है, लेकिन जहाँ पर राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे सामने हों, सामान्य सामाजिक उद्देश्य सामने हों, वहाँ पर इस प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों को हमें छोड़ना होगा और राष्ट्र और समाज को सामने रख करके इस प्रकार के विधेयकों को हमें पास करना होगा। पुनः मैं एक बार माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के विधेयक को ला करके एक सामाजिक जो प्रथा थी उसको समाप्त करने का अभियान चलाया है। धन्यवाद।